आयोग का एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में बहुत अच्छा काम रहा है, और हालांकि हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और अधिक काम करेंगे, लेकिन पिछले सभी जो रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के थे उसमें कहीं कई कई गुना इसके अंदर अवैध धन पकड़ा गया, और मोटे तौर पर करीब 18 करोड़ रुपया हमारे टीमों ने सीधे धनराशि पकड़ी, और करीब इतनी ही धनराशि के बराबर एक, जैसे आपके जानकारी में होगी, एक हवाला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिली थी, उसके बारे में हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कार्रवाई करी है, और उसमें भी करीब 18-19 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड विभिन्न स्तरों से पाया गया है। तो इस प्रकार लगभग करीब 38-39 करोड़ रुपया अवैध और अनअकाउंटेड तरीके से आया है, और इसमें और अभी कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में सुनिश्चित की जाएगी। वोटर फैसिलिटेशन के बारे में हमारे सभी जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। आयोग ने आज सामान्यतया राज्य के कैपिटल में आयोग मीटिंग करते हैं, लेकिन आयोग ने ये सुनिश्चित ये तय किया कि हम लोग जिन एरियाज में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इंटीरियर में भी जाकर के देखें, और ताकि हमारे अधिकारियों का मनोबल ऊंचा रहे और हम लोगों को भी बहुत ग्राउंड स्तर से एक फीडबैक मिल सके। उसी के क्रम में हम आज यहाँ मुजफ्फरपुर में आए हैं, और मुजफ्फरपुर में हमने फेज 4 और 5 के सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है, और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ख़ास तौर से सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं, और सभी अधिकारियों ने हमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। ख़ास तौर से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे, लेकिन पोलिंग डे से पहले इन केंद्रीय बलों का बहुत विस्तृत एरिया डोमिनेशन के बारे में आज हम लोगों ने रिव्यू किया है, और यहाँ तक रिव्यू किया है कि कौन से किस अमुक दिन कौन सा केंद्रीय बल किस लोकेलिटी में जाएगा, किस रोड पे जाएगा, किस टाउन में जाएगा, कहाँ पर फ्लैग मार्च करेगा, कहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेगा। तो इतने माइक्रो स्तर तक आज आयोग ने अधिकारियों के साथ चर्चा किया, और हम आशा करते हैं कि हमारी फोर्स का विजिबल प्रदर्शन हमारे जनता के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में इस्तेमाल होगा, वल्नरेबल सेक्शन में जाकर के जो हमारे कमज़ोर वोटर्स हैं उनको उत्साहित करेगा कि वो बिना किसी डर के अपना वोट वगैरह डाल सकें।